तो चलिए बच्चों आज हम करेंगे आइडेंटिफाइंग टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस तरह का रिएक्शन है सो लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्बसन कम्बसन मीन्स बर्निंग ऑफ सब्स्टांस इन प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की प्रजेंस में किसी भी सब्सटांस का बर्न होना डेट इज कम्बसन सो यहाँ देखिए कि कार्बन और मैग्नीशियम दोनों ही ऑक्सीजन के प्रजेंस में क्या हो रहा है बर्न हो रहे हैं कार्बन क्या बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड मैग्नीशियम क्या बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और इन दोनों ही रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है अब ये कैसा रिएक्शन है सो देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन क्या क्या है अब चूंकि यहाँ कार्बन और मैग्नीशियम दोनों ही क्या कर रहा है ऑक्सीजन गेन कर रहा है और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो ये कैसा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगेन अगर आप देखें तो यहाँ दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और जब भी दो मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएं देन इट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन सो अगेन ये क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है एंड थर्ड यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज हो रहा है सो अगेन इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो इन दोनों रिएक्शन को आप इन तीन कैटेगरी में रख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकता है कॉम्बिनेशन भी हो सकता है एंड अगेन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यहाँ हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करा रहे हैं अब यहाँ देखिए इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितने हैं दो तो जब भी कोई ऐसा रिएक्शन हो जहाँ रिएक्टेंट तो एक हो लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा हो देन इट इज एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक से दो बने तो क्या होगा वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो ये भी किसका एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का चूंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रजेंस में हो रहा है तो इसलिए हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रजेंस में हो रहा है अगेन यहाँ चूंकि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है एनर्जी तो यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एंड डेट्स वॉर इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन आप इसको ऐसे भी समझिए कि जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हमेशा ही एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा थर्ड एग्जाम्पल आप देखिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या प्रोडक्ट बना जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अब यहाँ देखिए यहाँ जिंक ने कॉपर को क्या किया डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया जिंक सल्फेट अब चूंकि जिंक कॉपर को क्या कर रहा है डिस्प्लेस कर रहा है, सो इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया उसको उसकी जगह से हटा दिया सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फोर्थ वन देखिए आप यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जो एक्व सोल्यूशन है वो सिल्वर नाइट्रेट के एक्वा एक्वासोल्यूशन से रिएक्ट कर रहा बनने है प्रोडक्ट क्या बन है देखिए सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों क्या हुआ एन ए जो एन ए था सोडियम क्लोराइड का सोडियम और सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर इन दोनों ने अपने पोजीशन को क्या किया है चेंज कर लिया है ना एन ए एन ने किसकी जगह ले लिया है सिल्वर की सिल्वर ने किसकी जगह ले ली है एन ए की यानी दोनों ने अपने पोजीशन को क्या कर लिया है चेंज कर लिया है यानी यहाँ क्या हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आयंस सोडियम ने सिल्वर को एक्सचेंज किया है सिल्वर ने सोडियम को एक्सचेंज किया है यानी यहाँ क्या हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आयंस और जहाँ भी तरह से एक्सचेंज ऑफ आयंस हो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन अगेन यहाँ क्या बन रहा है देखिए प्रेसिपिटेट बन रहा है पीपीटी बन रहा है और जहाँ पीपीटी बनेंगे डैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है दैट इज ऑलवेज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा और इसीलिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम भी कहते हैं लाइम चूना सो so, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर ऐड करते हैं क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं लाइम और प्लस वाटर दोनों मिलके क्या बना रहे है? लाइम वाटर केमिकल नेम क्या के है लाइम वाटर का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हीट रिलीज हो रहा है जब आप लाइन में वाटर ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज हो रहा है तो इसका टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हुआ अब चूंकि हीट रिलीज हो रहा है सो इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दो मिलकर एक बना रहे हैं दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना है सिर्फ एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गया एंड लास्ट एग्जांपल आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ हम क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं और हमें दो प्रोडक्ट मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी हमने किया था कि जब भी एक रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट कितने हो दो तो रिएक्शन कैसा होगा डी रिएक्शन अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी प्रजेंस में हो रहा है हीट की प्रजेंस में हो रहा है तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी डिकम्पोजिशन किसकी प्रजेंस में हो हीट की प्रजेंस में ये हीट की प्रजेंस में तो इसको हम क्या कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट यहाँ क्या और हीट एबजॉर्ब जहाँ भी हीट एब्जॉर्ब हो डैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दैट इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन थैंक यू